हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें हम लोग बना रहे थे टेक ब्लॉक नाम का एक प्रोजेक्ट यूजिंग जावा टेक्नोलॉजी। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यहाँ पे एक फॉर्म बनाया था, एक बटन बनाई थी डू पोस्ट। जब हम लोग इस डू पोस्ट पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा एक फॉर्म ओपन हो रहा था, ये फॉर्म जिसमें ये सेलेक्ट कैटेगरीज का ऑप्शन मांग रहा था, और फिर टाइटल, फिर हम लोग कंटेंट, फिर अगर प्रोग्राम है, और फिर अगर कोई पिक है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में ये फॉर्म बनाया था, और इस वीडियो का हमारा मेन मोटिव है कि इस फॉर्म का जो डेटा होगा उसको हम जावा के थ्रू निकालेंगे, फेच करेंगे, और फिर हम डेटाबेस में उसको सेव करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले इस फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सॉल्व करते हैं, दैट मीन्स इसको इम्प्रूव करते हैं थोड़ा सा, और कुछ चीज़ें हमने नहीं की थी वो सबसे पहले करते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म का पूरा डेटा हम लोग फेच करते हैं सर्वर की हेल्प से, और इसके बाद उस डेटा को हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं JDBC के थ्रू डेटाबेस में। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम लाते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस। और अगर आपने अभी सर्वलेट की सीरीज यहाँ पे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने सर्वलेट में बहुत सारे वीडियोस को डाल दिया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फिर प्रोजेक्ट्स, फिर एरर हैंडलिंग, बहुत सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट 52 वीडियोस हो गई हैं। तो आप जरूर इस वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो हम लोगों ने बनाया था, अभी तक का फॉर्म डिजाइन कर लिया था, इस प्रोफाइल पेज पे हमारा फॉर्म है, ये रहा हमारा फॉर्म जो हम लोगों ने सिंपली डिजाइन किया था। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म में थोड़ा सा सबसे पहले करेक्शन करेंगे, और फिर लगाएंगे अजैक्स। हम जो डेटा सेव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अजैक्स सेव करेंगे, हम यहाँ पे कोई सिंक्रोनस कॉल नहीं करेंगे, हम सारा एसिंक्रोनस कॉल के हेल्प से डेटा मैनेज करेंगे, जिसकी हेल्प से होगा क्या कि हमारी जो वेबसाइट होगी बहुत कूल बनेगी, बार बार पेज रिफ्रेश नहीं होगा अजैक्स, और ब्लॉकिंग भी नहीं होगी, जिससे यूजर ब्लॉक नहीं होगा, आप रिक्वेस्ट कर देगा उसके बाद सेव हो जाएगा डेटा, और वो काम भी कर सकता है, सारी चीज़ों को देख सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग मोस्टली चीज़ें अजैक्स के थ्रू करें सिंपल वे में, और हम चीज़ों को कठिन भी नहीं बनाएंगे। जहाँ पे मुझे सिंक्रोनस कॉल यूज़ करनी होगी मैं सिंक्रोनस यूज़ कर लूँगा, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि भाई यहाँ पे परफेक्ट है एसिंक्रोनस तरीका यूज़ करना, तो वहाँ पे मैं एसिंक्रोनस यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म में क्या गड़बड़ी है थोड़ा सा। तो देखिए, फॉर्म में सबसे पहले हम लोगों ने बनाया था एक ऑप्शन, तो ऑप्शन मैंने बना दिया था, इसमें वैल्यूज़ नहीं दी थी, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक वैल्यू नाम की एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हमको सेव करना है, हमको हर एक यहाँ पे कैटेगरी के साथ हमें चाहिए कैटेगरी की आईडी। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक्सप्रेशन टैग, और जिस कैटेगरी का ही ऑप्शन होगा उस कैटेगरी से मैं कैटेगरी की आईडी को गेट कर लूँगा, सिंपल CID। तो वैल्यू में आ जाएगी यहाँ पे कैटेगरी की आईडी, और फिर हम लोग इस सेलेक्ट बॉक्स का क्या करेंगे, यहाँ पे एक नाम दे देंगे जिससे कि हम लोग सर्वलेट पे डेटा फेच कर पाएँ, तो हम इसका नाम दे देंगे CID। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, ये है हमारा टाइटल, इसका भी हम लोग एक नाम दे देंगे, नेम इज इक्वल टू दे देंगे पोस्ट टाइटल। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, ये जरूरत पड़ेगी सर्वलेट पे जब हम लोग इसको फेच करेंगे डेटा। उसके बाद नेक्स्ट ये है हमारा एंटर योर कंटेंट, तो हम इसका भी एक नाम दे देंगे, नेम पी कंटेंट, और फिर नीचे आ जाएंगे, ये कोड है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी एक नाम दे देंगे पी कोड। उसके बाद हम लोग ये प्रोफाइल पिक्चर है तो इसका भी नाम दे देंगे कुछ, नेम दे देंगे पिक। ठीक है, तो हम लोग ने बेसिकली सारे फील्ड का नाम दे दिया जिससे कि हम लोग सर्वलेट पे डेटा को फेच कर पाएँ। अगर आप ये फील्ड्स का नाम नहीं दोगे तो सर्वलेट पे डेटा को फेच आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे डेटा को। और हम लोग क्योंकि अजैक्स यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस फॉर्म की एक आईडी दे देंगे, तो हम लोग दे देंगे आईडी, और आईडी में लेंगे एड पोस्ट फॉर्म। ठीक है, अभी हम लोग इस आईडी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को टारगेट करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को जावास्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली देखिए सबसे पहले मैं इस फॉर्म को सबमिट करूंगा एड पोस्ट सर्वलेट पे, एक्शन मैंने जैसा कि मैंने एक्शन दिया था। तो नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करूँगा। तो अब बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट होने वाली है, तो मैं जावास्क्रिप्ट को लिखूँगा अब अपने इस MyJS फाइल में, या आप क्या कर सकते हो, आप यहीं पर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, बाद में हम लोग इसको मूव कर देंगे MyJS में। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले लगाएंगे कमेंट और लिख देंगे, कमेंट लगाएंगे HTML का कमेंट लगाएंगे भाई। तो हम लोग लिखेंगे नाउ एड
पोस्ट जेएस। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम लोग इसके नीचे जो पोस्ट करने वाली जावास्क्रिप्ट है वो है, जिससे कि कन्फ्यूज़न नहीं होगी आप लोग को। तो एकदम क्लियर कट आपको चीज़ें जितना साफ सुथरा रख पाओ अपने प्रोजेक्ट में उतना रखो, जिससे कि आप प्रोजेक्ट को खुद समझ पाओगे अच्छे से और आप आगे काम कर पाओगे। अगर आप चीज़ों को खिचड़ी पका दोगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, उसके बाद हम लगाएंगे स्क्रिप्ट टैग और यहाँ पे हम लोग कोडिंग स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्ट टैग के बाद, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा मेरा टैग गलत हो गया तो मैं फिर से स्क्रिप्ट टैग लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ जेक्वेरी, तो मैं जेक्वेरी का बेसिक सिंटैक्स लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। और जैसे ही डॉक्यूमेंट रेडी होगा मैं एक फंक्शन कॉल कर लूँगा। ये जो फंक्शन है ये तब कॉल होगा जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक अलर्ट देके हम लिख देता हूँ अलर्ट लोडेड। तो डॉक्यूमेंट जैसे ही लोड होगा आपका पेज, जब कंप्लीटली लोड हो जाएगा तो ये अलर्ट बॉक्स आ जाएगा। तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। देखिए लोडेड, इसका मतलब यहां पे फंक्शन तब चलेगा जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगा। तो मैं यहीं पे पूरी कोडिंग कर दूंगा, किसकी भाई, अपने पहले फॉर्म को जैसे सबमिट होगा फॉर्म, तो फॉर्म का डेटा हम लोग निकालेंगे, फिर सर्वलेट को हम लोग रिक्वेस्ट भेज देंगे, एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट भेजेंगे अजैक्स के थ्रू, ठीक है। तो चले करते हैं। तो हम लोग देखिए, हम लोग एक लिसनर लगाएंगे उस फॉर्म पे, तो हम लोग कहेंगे डॉलर और हम लोग यहाँ पकड़ने जा रहे हैं अपने फॉर्म को, ठीक है। तो फॉर्म को आईडी दी थी तो हम लिखेंगे एज हैज एड एड पोस्ट फॉर्म, ठीक है, एड पोस्ट फॉर्म। और हम लिखेंगे ऑन ऑन, और जो भी आपको हैंडल इवेंट लगाना होगा, जैसे जो लिसनर लगाना होगा उसका नाम, तो हम लिखेंगे सबमिट। तो हम बेसिकली फॉर्म को सबमिट करना चाह रहे हैं। जब फॉर्म को सबमिट करेंगे उस केस में हमारा एक फंक्शन चलेगा, तो ये फंक्शन चलेगा फंक्शन, और ये ले रहा होगा एक इवेंट, और ये फंक्शन सिंपली कॉल हो जाएगा जैसे ही आप फॉर्म को सबमिट करोगे, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ दिस कोड गेट्स कॉल्ड व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड या सबमिटेड, ठीक है। तो आप ये समझिए कि इसके अंदर जो भी लिखोगे जब फॉर्म सबमिट करोगे तब कॉल होगा। तो चलिए भाई हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो एसिंक्रोनस, जो हम लोग एसिंक्रोनस यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग अवॉइड करेंगे फॉर्म का नॉर्मल बिहेवियर। तो हम यहाँ इवेंट पे कॉल करेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। इससे क्या होगा, जो आप नॉर्मली बिहेवियर, जो नॉर्मली फॉर्म का बिहेवियर होगा, जो फॉर्म सबमिट होगा सिंक्रोनस तरीके से, वो रुक जाएगा। दैट मीन्स जब फॉर्म को सबमिट करोगे तो सिंक्रोनस तरीका वाला काम बंद हो जाएगा, जो फॉर्म का नॉर्मल बिहेवियर होगा वो रुक जाएगा, ठीक है। और हम लोग निकाल लेंगे यहाँ फॉर्म, फॉर्म का पूरा डेटा। तो अब देखो कैसे, हम लोग ये वेरिएबल ले लेंगे फॉर्म, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट बना लेंगे न्यू फॉर्म डेटा का, क्योंकि फॉर्म डेटा एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो आपके फॉर्म को रख सकता है। और फॉर्म मतलब दिस, देखिए आपने, आप किसके अंदर काम करो, इसी फॉर्म को तो आपने कैच किया है, तो यही आईडी वाला फॉर्म यहाँ पे आपने ग्रैब किया है, और उसी फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दिस पास कर दिया, तो ये पूरा पूरा फॉर्म इसमें आ जाएगा। दैट मीन्स इस वाले फॉर्म में क्या रखा हुआ है, आपके पूरे फॉर्म का डेटा रखा हुआ है। अब हम अजैक्स के थ्रू फॉर्म को भेज सकते हैं किसी सर्वलेट पे। चलिए हम लोग भेज देते हैं अजैक्स के थ्रू फॉर्म को। देखिए सिंपली आपको लगाना है डॉलर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाउ कॉलिंग नाउ रिक्वेस्टिंग टू सर्वर सर्वर, और हम लोग क्या करेंगे सिंपली देख लगाएंगे डॉलर, लगाएंगे डॉट, और फिर अजैक्स फंक्शन कॉल करेंगे। और हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करना है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ रिक्वायरमेंट ऑप्शन देने हैं, जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो देने हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन कि किस सर्वलेट को आपको कॉल करना है, तो मैं लिख दूंगा एड पोस्ट सर्वलेट को, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो टाइप होगा इसका वो क्या होगा, तो हम लिखेंगे पोस्ट, जो हमारा डेटा जाएगा पोस्ट के फॉर्म में जाएगा। और फिर डेटा हम जो लोग जो वेरिएबल लेंगे उसमें हम लोग अपना ये वाला फॉर्म वाला डेटा पास कर देंगे सिंपली, कौन सा, ये वाला फॉर्म वाला डेटा। तो हम लिख देंगे फॉर्म वाला वेरिएबल। उसके बाद जब हमारा, जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आ जाएगी वापस, तो मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा सक्सेस, ये फंक्शन है, ये कॉल होगा जब आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आ जाएगी, तो हम लिख देंगे सक्सेस। इन केस अगर एरर आ जाती है तो एक फंक्शन और कॉल करूंगा एरर। तो अगर कोई एरर आएगी तो आपको कोडिंग यहां करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें बताना पड़ेगा इसका कंटेंट टाइप वगैरह क्या रखेंगे, कि जेसन के फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हैं कि नॉर्मल, मतलब किस फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हैं। तो मैं सिंपली यहां पे दोनों चीजों को फॉल्स कर दूंगा, सबसे पहले प्रोसेस डेटा फॉल्स कर दूंगा, और नेक्स्ट चीज फॉल्स कर दूंगा कंटेंट
टाइप भी फॉल्स कर दूंगा। ये चीज़ याद रखें क्योंकि आप जो डेट आपका जो फॉर्म होगा उसके अंदर रखा हुआ है, फोटो वगैरह भी रखी होगी, तो ये दोनों चीज़ आप कर दोगे तभी जाएगी फ़ोटो, नॉर्मली फ़ोटो नहीं जाएगी। तो हम लोगों ने ये सर्वेड भी नहीं बनाया, बट हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बटन बना लेते हैं सबमिट का। तो शायद आई थिंक मैंने फॉर्म में बटन भी नहीं बनाया था, तो हम लोग क्या करेंगे इस वाली चीज़ को हटा देंगे और यहाँ फॉर्म के अंदर ही मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊँगा, डिव क्लास कंटेनर, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा एक बटन बना दूँगा। तो मैं लिखूँगा बटन टाइप सबमिट, जिससे कि ये फॉर्म को सबमिट कर दे, और क्लास मैं लिखूँगा btn आउटलाइन प्राइमरी, और मैं यहाँ लिख दूँगा पोस्ट, ठीक है, और सेव कर दूँगा। और इस बटन को सेंटर पे करने के लिए मैं कंटेनर क्लास पे लगा दूँगा टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो आपकी बटन सेंटर पे हो जाएगी, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये देखिए पोस्ट बटन आ रही, परफेक्ट। राइट क्लिक करके हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं और अपना कंसोल ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जो भी आउटपुट होगा वो यहीं पे दिखेगा कंसोल पे। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ये फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैं नीचे आता हूँ, सबसे पहले जैसे सबमिट होगा हम लोग यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और हम लोग देते हैं सबमिटेड, या लिख देते हैं यू हैव क्लिक्ड ऑन सबमिट, ठीक है। ये मैसेज आ गया, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो आते हैं इस पर डू पोस्ट, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं, पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए यू हैव क्लिक्ड ऑन सबमिट, ठीक है। और 404 एरर आ रही, दैट मीन्स ये जो आपका डू पोस्ट सर्वेट है वो नहीं चल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड ऑन सर्वर। तो 404 अभी हम लोगों ने सर्वेट बनाया नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। दैट मीन्स ये तो हमारा काम हो रहा है कि जो आप यहाँ डेटा सेट कर रहे हो वो सबमिट हो रहा है, ठीक है, फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है, हम लोग सर्वेट को बनाते हैं और फिर आगे काम बढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वेट को बना लेते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, हम आ जाएंगे अपने com.tech.blog.servlet पैकेज के अंदर, और राइट क्लिक करेंगे सिंपली, और अपने पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक सर्वलेट क्रिएट कर लेंगे, और सर्वलेट का नाम दे देंगे वही नाम जो हम लोगों ने यहाँ पे दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नाम ऐड पोस्ट सर्वलेट, तो लिखेंगे ऐड पोस्ट सर्वलेट और सिंपली नेक्स्ट करके देंगे। और नेक्स्ट करने के बाद ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर कर दीजिए, इसको सेलेक्ट कर दीजिए, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सर्वेड बन जाएगा, और अगर सर्वेड बन जाएगा तो हम लोग अब इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। तो हम लोग डेटा फेच करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, तो इसको फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो चीज़ें। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो सर्वेड है वो हैंडल कर रहा होगा मल्टी पार्ट डेटा, दैट मीन्स ऐसा फॉर्म जिसके अंदर मल्टी पार्ट टाइप का डेटा है, इमेज है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एक एनोटेशन जिसका नाम है मल्टी कॉन्फिग, तो MUL लिखेंगे, फिर कंट्रोल स्पेस, ठीक है, मल्टी कॉन्फिग। इससे अब ये सर्वलेट क्या करेगा, ये सर्वलेट को मैंने एक मेटा डेटा, दैट मीन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिए विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन। अब ये सर्वलेट क्या करेगा, हमारे मल्टी पार्ट डेटा जो फॉर्म आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और हम लोग उसको यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए भाई, यहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, कुछ चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले मैं टाइटल निकालता हूँ, तो देखिए टाइटल निकालने के लिए आप एक स्ट्रिंग बना लीजिए, और स्ट्रिंग और एक वेरिएबल ले दिए p title इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे आप p title फॉर्म जो फॉर्म फील्ड का नाम लिया था वो फील्ड पास कर दिया। सिंपली आप क्या करिए, प्रिंट करके देखिए क्या यहाँ वहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो हम लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट ln और लिखेंगे योर पोस्ट टाइटल इज, और फिर हम लोग अपने टाइटल को प्रिंट कर देंगे और हम लोग अपना प्रोजेक्ट चलाएंगे, देखेंगे क्या एक्चुअली हमारा टाइटल प्रिंट हो रहा है कंसोल पे कि नहीं प्रिंट हो रहा है। तो हम लोग रिफ्रेश कर देंगे, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा क्योंकि आपने सर्वलेट में चेंजेस किए हैं। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे और फिर से लॉग इन कर लेंगे, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंसोल अपना ओपन कर लेंगे, और हम लोग कुछ ऐसा ही डमी डेटा डालेंगे अपने पोस्ट में। तो हम लोग अपने टाइटल में लिखेंगे, सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो पाइथन प्रोग्रामिंग, और टाइटल लिखते हैं व्हाट इज न्यू या व्हाट इज पाइथन, और फिर कंटेंट में कुछ लिखते हैं, प्रोग्राम में कुछ लिख देते हैं, और फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं,
ठीक है, और पोस्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया मुझे, क्योंकि मैंने सक्सेस में कुछ भी प्रिंट नहीं किया था, बट एरर भी कोई नहीं आई, इसका मतलब रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स आ गया। तो हम लोग, मैं एक छोटा सा चेंज करता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे आता हूँ प्रोफाइल में और सक्सेस में कुछ मैसेज दे देता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में डेटा को सिंपली प्रिंट कर देता हूँ। और फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ और फिर से रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश करता हूँ, इस बार कोई मैसेज आएगा तो आपको कंसोल पे दिख जाएगा। तो मैं फिर से जावा चूज़ करता हूँ, लिखता हूँ व्हाट इज़ जावा प्रोग्रामिंग, ठीक है, व्हाट इज़ जावा प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे कुछ ऐसा लिख देता हूँ, कुछ ऐसा लिख देता हूँ, और एक फ़ोटो को सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। एग्जैक्टली, आप देख लीजिए यहाँ पे आ गया, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से मैंने प्रिंट किया था, वो सर्वलेट जो प्रिंट कर रहा है सर्वर पे वो आ रहा है। देखिए सर्वलेट ये पूरा HTML का सब कुछ प्रिंट कर रहा है, HTML हेड सब कुछ, और यहाँ पे देखिए बॉडी के अंदर ये क्या प्रिंट कर रहा है, योर पोस्ट टाइटल इज व्हाट इज प्रोग्रामिंग। तो बॉडी क्लोज होने के बाद मैंने गलती से शायद प्रिंट कर दिया हो, देखिए बॉडी क्लोज होने के बाद, तो सर्वलेट ओपन करें तो आप देखिए बॉडी क्लोज होने के बाद मैंने ये प्रिंट किया। अगर इसको मैं ऊपर कर दूं तो बॉडी क्लोज होने से पहले प्रिंट हो जाएगा, बट हमें ये सब चीज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मैसेज चाहिए होगा। तो मैं सिर्फ इसको बंद कर दूंगा और HTML को भी बंद कर दूंगा, ये सब चीज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मैसेज चाहिए अपना, योर पोस्ट टाइटल इज दिस। तो अगर इस बार मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो देखिए योर पोस्ट टाइटल इज दिस, सिंपली इसको क्लियर करके भी आप देख सकते हो, ये देखिए ये तो क्लाइंट साइड से ही आ रहा है, ये मैसेज आपके सर्वर से आ रहा है, इसका मतलब डेटा वहां तक पहुंच रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, वहां पे सारा डेटा फेच करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आईडी फेच करते हैं, टाइटल फेच कर लिया, कंटेंट फेच करते हैं, सारी चीज़ें फेच करते हैं, ठीक है, तब हम लोग आगे अपना प्रोसेस बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी आईडी ले लेते हैं, तो हम ले लेंगे सी आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, अच्छा कैटेगरी आईडी इंटीजर में हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स इंट ले लेंगे और लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे पास कर देंगे सी आई डी फॉर कैटेगरी आई डी। तो एक बार फील्ड में चेक कर लेता हूँ, ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं, कैटेगरी आई डी के लिए हम लोगों ने नाम लिया था सी आई डी, परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग, ये हमारा हो गया भाई टाइटल, उसके बाद हम कंटेंट निकालते हैं स्ट्रिंग पी कॉन्टेंट, और हम लोग लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरा मीटर, और यहाँ पे लिख देंगे पी कंटेंट, परफेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोड के लिए भी यही कर लेंगे, सिंपली कोड, और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कोड कोड। उसके बाद हम लोग, कोड हो गया भाई, कोड के बाद क्या आता है ज़रा देखते हैं, हमारा आईडी हो गया, टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया, कोड हो गया, उसके बाद पिक। तो पिक निकालने के लिए मैंने आपको बता के रखा है, आपको लेना है डेटा टाइप पार्ट, ठीक है, पार्ट पार्ट, और लिख देंगे पार्ट इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट, और पिक वाली फील्ड का नाम लिखना है, तो मैंने पिक ही लिया था, एक बार मैं चेक करना चाहूँगा जिससे कि गलत ना हो, देखिए पिक वाली फील्ड का नाम था पिक, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, टाइटल तो हम लोग ने निकाल ही लिया, हम लोग एक बार इस पिक का नाम प्रिंट करके देख लेते हैं कि भाई फोटो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो पिक का नाम आप आउट डॉट प्रिंट एल एन, और पिक का नाम आप पार्ट से निकालोगे, लिखोगे पार्ट डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम, गेट सबमिटेड फाइल नेम, गेट सबमिटेड फाइल नेम, और फिर हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने सर्वर को, तो भेजते हैं भाई सर्वर को रिक्वेस्ट, पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए परफेक्ट, आपका ये जो आ रहा है वो आपका टाइटल है, और फाइल का नाम था एड हेडिंग 16, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है एड हेडिंग 16, ठीक है, इसका मतलब अगर मैं दूसरी फाइल सेलेक्ट करूँ तो दूसरी फाइल जाएगी वहाँ पे, परफेक्ट। देखिए एड हेडिंग 14, तो मैं अगर पोस्ट क्लिक करता हूँ तो एड हेडिंग 14, इसका मतलब हमारा डेटा सर्वलेट तक पहुँच रहा है। अब हमारा मेन टास्क बचा, ये सारी चीज़ें, पाँच चीज़ें, 1 2 3 4 5, इनको हमें उठा के डेटाबेस में डालना है। तो चले फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटाबेस को चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं, अगर नहीं अवेलेबल हैं तो हम लोग बनाते हैं फील्ड्स, और अगर अवेलेबल हैं तो हम लोग इनको उठा के डेटाबेस में डाल देते हैं, दैट्स इट, हमारा काम हो जाएगा, परफेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए हमारे पास, मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ अपना, ये है हमारा पोस्ट टेबल। तो हमारे पास सी आई डी स्टोर करने के लिए देखिए कैट आई डी है, पी टाइटल स्टोर करने के लिए टाइटल है, कंटेंट स्टोर करने के लिए कंटेंट है, कोड स्टोर करने के लिए कोड है, और डेट अपने आप आ जाए, पिक स्टोर करने के लिए पिक है, मतलब सारी चीज़ें हैं। बट एक चीज़ हम लोगों ने थोड़ा सा मिस कर दिया था जब हम लोग डेटाबेस बना रहे थे, एक्चुअली इसमें इस पोस्ट की सारी डिटेल तो हैं, बट आप
इसमें आपने एक ऐसी फील्ड ने ली जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट मीन लेट अस सपोज कोई पोस्ट आएगा तो आपको पता होना चाहिए किस यूज़र ने पोस्ट किया है, किस यूज़र ने वो पोस्ट किया है। दैट मीन्स इस पोस्ट में एक कॉलम और होना चाहिए जो यूज़र आईडी होनी चाहिए, दैट मीन्स किस यूज़र ने पोस्ट किया है उसकी आईडी। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं राइट क्लिक करूंगा अपने पोस्ट टेबल पे, ऑल्टर टेबल करूंगा और ऑल्टर टेबल में एक कॉलम और बना दूंगा यूज़र आईडी, और ये भी इंटीजर होगी। इंटीजर होने के बाद नॉट नल होगी और ये फॉरेन की होगी यूज़र आईडी की। तो सिंपली मैं क्लिक करूंगा फॉरेन की पे, और फॉरेन की के बाद देखिए मैं रेफरेंस टेबल में सेलेक्ट कर लूँगा यूज़र टेबल, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेफरेंस कॉलम में सेलेक्ट कर लेंगे आईडी, यूज़र की आईडी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कैस्केड भी कर देंगे, कैस्केड भी कर देंगे, और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अपने इस टेबल का कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे रेफरेंसिंग कॉलम, मतलब किसको हम फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं, तो यूज़र आईडी को हम लोग फॉरेन की बनाना चाह रहे हैं। परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे तो हमारी जो टेबल होगी वो चेंज हो जाएगी, ऑल्टर हो जाएगी। अब देखिए प्रोफाइल पोस्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए आपको एक यूज़र आईडी वाला कॉलम भी मिल गया, दैट मीन्स यूज़र आईडी भी आ जाएगी कि कौन से यूज़र ने ये पोस्ट को किया है। तो परफेक्ट, आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, यूज़र इतने सारे यूज़र हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे यूज़र भी चाहिए होगा, यूज़र भी चाहिए होगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे यूज़र आईडी चाहिए होगी। तो मैं यूज़र आईडी कैसे गेट करूँगा भाई, सेशन की हेल्प से। देखिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेटिंग करंट यूज़र आईडी, ठीक है। कैसे निकालेंगे यूज़र आईडी, देखिए सबसे पहले आपको यूज़र निकालने, यूज़र निकालना होगा तो एक वेरिएबल ले लेंगे यूज़र, यूज़र इज इक्वल टू, मैं सेशन सबसे पहले निकाल लेता हूँ, तो इसके ऊपर मैं सेशन निकाल लेता हूँ, HTTP सेशन, सेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। तो आपको करंट सेशन मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, करंट सेशन अगर मिल गया तो हम लोग यूज़र सेशन से निकाल सकते हैं सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, और हम लोग यहाँ लिख देंगे करंट यूज़र, करंट यूज़र अगर ऐसे लिया होगा तो ऐसे लिख देते हैं, अभी जस्ट मैं देख ले रहा हूँ, और इसको टाइपकास्ट कर देंगे यूज़र डेटा टाइप में, यूज़र डेटा टाइप में। परफेक्ट। एक बार मैं देख लेता हूँ कि जो मैंने लॉगिन कराया था करंट यूज़र क्या स्टोर है, तो लॉगिन सर्वलेट ओपन कर लेंगे और हम लोग देख लेंगे कि क्या था भाई, वेरिएबल करंट यूज़र था। परफेक्ट, तो हमारा आ जाएगा। अब इस यूज़र से आप यूज़र की आईडी निकाल सकते हो, लेट अस सपोज फॉर आपको आईडी निकालनी होगी तो आप लिखिए यूज़र डॉट गेट आईडी, देखिए आईडी मिल जाएगी। तो ये सारा डेटा हमें ले जाना है कहाँ पे भाई, ये पूरा का पूरा डेटा हमें ले जाना है पोस्ट में। एक काम और करते हैं भाई, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने पोस्ट क्लास बनाया था, उसमें हम लोगों ने यहाँ एक आईडी वाला कॉलम ऐड किया है अपने पोस्ट टेबल में, तो हम लोग ये कॉलम एट्रीब्यूट के फॉर्म में अपने अपने पोस्ट वाले एंटिटीज़ में भी ऐड कर देते हैं। तो हम लोग ओपन करेंगे एंटिटीज़ के अंदर पोस्ट वाला क्लास, और यहाँ पे एक कॉलम और ऐड कर देंगे, प्राइवेट प्राइवेट इंटीजर यूज़र आईडी। परफेक्ट। और हम लोग को कंस्ट्रक्टर में भी ऐड करना होगा, तो भाई चलो कंस्ट्रक्टर में भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक इंटीजर यूज़र आईडी, और हम लोग नीचे लिख देते हैं दिस डॉट यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी, और यही चीज़ हम लोग को दूसरे कंस्ट्रक्टर में भी करनी होगी इस वाले में, तो फटाफट कर लेते हैं, लिख देते हैं इंटीजर यूज़र आईडी, और हम लोग यहाँ लिख देते हैं दिस डॉट यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी। परफेक्ट। और गेटर सेटर भी बना लेते हैं यूज़र आईडी का, तो सबसे नीचे आ जाएंगे जहाँ क्लास बंद हुई है, इंसर्ट करेंगे, ऑल्ट इंसर्ट को साथ में क्लिक करेंगे, और हम लोग गेटर सेटर पे क्लिक करेंगे और अपना यूज़र आईडी वाला सेलेक्ट कर लेंगे। परफेक्ट। तो हमने जो चेंजेस किए थे उसी के अकॉर्डिंग हमने क्लास को भी चेंज कर दिया। परफेक्ट। अब हम लोग लॉगिन कर, अब हम लोग क्या करते हैं, रजिस्टर बनाते हैं। तो रजिस्टर कैसे बनाएंगे, आते हैं अपने ऐड सर्वलेट में और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पोस्ट का, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पोस्ट का। तो हम लिखेंगे पोस्ट, पोस्ट पी इज इक्वल टू न्यू पोस्ट, और पोस्ट में क्या क्या पास करना है देख लो भाई, पोस्ट में देखो आपके पास आईडी तो है नहीं, दैट मीन्स हम ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे जिसमें टाइटल पास कर देंगे, कंटेंट पास कर देंगे, कोड पास कर देंगे, पिक पास कर देंगे, डेट पास कर देंगे, सी आई कैट आईडी पास कर देंगे, यूज़र आईडी पास कर देंगे, तो आप ओके कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप ओके करोगे तो ये सारा अपने आप ले लेगा। अब आप क्रॉस चेकिंग कर लो, देखो टाइटल आ गया, कंटेंट आ गया, तो सबसे पहले टाइटल चाहिए था, कंटेंट चाहिए था, टाइटल चाहिए था, कंटेंट चाहिए, कोड चाहिए, पिक चाहिए, तो एक बार क्रॉस चेक कर लो, कोड चाहिए, पिक चाहिए। तो पिक कैसे निकालोगे आप निकालोगे पार्ट डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम, पिक का नाम मिल गया। उसके बाद डेट, डेट आपको नहीं पास करना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट डीबी डेटाबेस अपने आप से कर लेगा, तो नल कर दीजिए।
और सेकंड लास्ट, और लास्ट चीज क्या है भाई देखो, सेकंड लास्ट और लास्ट चीज है कैटेगरी आईडी और यूजर आईडी। ठीक है, तो आ जाते हैं कैटेगरी आईडी तो ठीक जगह पे आई है, बट यूजर आईडी आप निकालोगे यूजर डॉट गेट आईडी से। परफेक्ट। अब हम लोगों ने क्या किया, सिंपली हम लोगों ने एक पोस्ट बना लिया है और इस पोस्ट के अंदर सारा डेटा है। दैट मीन्स ये जो पोस्ट है पी, इस पोस्ट के पास टाइटल है, कंटेंट है, कोड है, इस फाइल का नाम है, साथ ही साथ क्या है इसके पास यूजर की आईडी भी है। अब हम लोग को करना है क्या, इस पोस्ट को हमें सेव करना है कहाँ पे, डेटाबेस में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटाबेस वाला कोड यहाँ पे भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी, बट यहाँ पे नहीं लिखना है। आप डेटाबेस वाले कोड को लिखने के लिए डाओ मैनेज कर रहे हो, तो आप आ जाओगे डाओ के अंदर और पोस्ट डाओ के अंदर, और डेटाबेस में सेव करने वाली चीज आप यहां पे अंदर लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस, और आप कॉल करोगे उस फंक्शन को वहां पे। तो हम लोग लिख लेते हैं, तो हम लोग देखिए हम लोग लिखेंगे पब्लिक और बूलियन, नाम होगा सेव पोस्ट, और ये क्या ले रहा होगा, एक पोस्ट पी को ले रहा होगा जिस जो कि आपने वहां बनाया है, तो आप वहां से वही पास कर दोगे। और ये क्या करेगा, एक फ्लैग लेगा, फ्लैग फ्लैग बुलियन टाइप का होगा, एफ इज इक्वल टू फॉल्स, बाय डिफॉल्ट अभी इंसर्ट नहीं हुआ और हम लोग रिटर्न एफ को कर देंगे, जब इंसर्ट हो जाएगा तो एफ को ट्रू कर देंगे, दैट्स इट। हम लोग लगाएंगे ट्राई कैच क्वेरी फायर करने के लिए, और जो एरर आएगी ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस से हम कंसोल पे प्रिंट कर देंगे। परफेक्ट। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेरी चलानी है और इस पी पोस्ट के अंदर की सारी चीज़ें एक एक करके डालनी है कहाँ पे, डेटाबेस में। तो चलिए भाई क्वेरी लिख लेते हैं, हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग क्यू, क्वेरी देखिए इंसर्ट इनटू पोस्ट टेबल का नाम, कॉलम्स दे दीजिए जो जो कॉलम्स चाहिए, तो मैं फटाफट एक एक कॉलम्स लिख दे रहा हूँ डेटाबेस से देख देख के। तो सबसे पहले चाहिए पी आईडी, नहीं लेने आपको पी टाइटल चाहिए, पी टाइटल कॉमा पी कंटेंट कॉमा पी कोड कॉमा पी पिक कॉमा पी डेट भी नहीं चाहिए आपको, कैटेगरी आईडी कॉमा यूजर आईडी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको चाहिए थी, कितनी चीज़ें होगा भाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और वैल्यूज़ में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम डायनेमिक डेटा इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर स्टेटमेंट, 3 4 5 6। परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रिपेयर स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो सिंपली देखिए हम लोग बनाएंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का एक वेरिएबल पी एस टी एम डी इज इक्वल टू कौन से बोलेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, और अपनी क्वेरी पास कर देंगे। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चन मार्क की वैल्यूज़ को सेट करेंगे, इन क्वेश्चन मार्क की। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क पे है टाइटल, तो हम लोग टाइटल सेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, पी एस टी एम टी डॉट सेट टाइटल, सेट सेट स्ट्रिंग, और लिखेंगे पहले क्वेश्चन मार्क पे पी डॉट गेट टाइटल। पी क्या है भाई, पी आपका ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर चीजें थी। ठीक है, तो पी डॉट गेट टाइटल, ये पी जो है वो ये वाला ऑब्जेक्ट है जो ब्रैकेट में ले रहे हो आप, जो वहां से पास करोगे उसी हिसाब से आप पी एस टी एम टी डॉट, दूसरे क्वेश्चन मार्क पे कंटेंट चाहिए तो स्ट्रिंग पास कर दीजिए, दूसरे क्वेश्चन मार्क पे पी डॉट गेट पी कॉन्टेंट। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन मार्क पे आपको चाहिए कोड, तो पी एस टी एम टी डॉट सेट स्ट्रिंग, और तीसरे क्वेश्चन मार्क पे आप पास करोगे पी डॉट गेट पी कोड। परफेक्ट। फिर तीसरे क्वेश्चन मार्क पे पी एस टी एम टी डॉट चाहिए आपको कैटेगरी आईडी, तो आप पी सेट इंटीजर, और चौथे क्वेश्चन मार्क पे कैटेगरी आईडी पी डॉट गेट सी आईडी कैट आईडी। ठीक है, एंड लास्ट कुछ गलत हो गया, देखते हैं, एक टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया, कोड हो गया, कैटेगरी आईडी हो गई, यूजर आईडी हो गई। ठीक है, तो हम लिखते हैं पी एस टी एम टी डॉट सेट इंटीजर, और फिफ्थ क्वेश्चन मार्क पे हम लोग लिखते हैं पी डॉट गेट यूजर आईडी। ठीक है, तो पांच ही इसमें वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो भाई क्या मिस हो रहा है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन मार्क पे टाइटल, दूसरे क्वेश्चन मार्क पे कंटेंट, तीसरे क्वेश्चन मार्क पे कोड, चौथे क्वेश्चन मार्क पे पिक, तो पिक छूट गया, तो हम लोग चौथे क्वेश्चन मार्क पे हमें करना है पिक, तो हम पी एस टी एम टी डॉट सेट स्ट्रिंग, और चौथे क्वेश्चन मार्क पे हम लोग पी डॉट गेट पिक, गेट पिक कहाँ है भाई, पी पिक, और इसको कर देते हैं 5 और इसको कर देते हैं 6। परफेक्ट। और फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं अपनी क्वेरी, तो हम लिखेंगे पी एस टी एम टी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि ये क्वेरी कुछ डेटा नहीं ला रही है। फिर एफ को क्या कर देंगे,
ट्रू कर देंगे, एफ को क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। परफेक्ट, तो हमारा डेटाबेस वाला कोड कंप्लीट हो गया। अब इस कोड को हम लोग क्या करते हैं, अपने ऐड पोस्ट सर्वलेट में यहाँ पे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे कॉल करने के लिए ये जो फंक्शन था जिसका नाम था सेव पोस्ट, ये फंक्शन आपने बनाया है किस क्लास के अंदर, पोस्ट डाव के अंदर। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पोस्ट डाव का, तो यहाँ पे बना लेते हैं पोस्ट डाव। पोस्ट डाव, डाव इज इक्वल टू न्यू पोस्ट डाव, और डाव को हमें देना है कनेक्शन प्रोवाइडर, तो हम लिखेंगे कनेक्शन, कनेक्शन देना है तो कनेक्शन प्रोवाइडर से बोलेंगे कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट गेट कनेक्शन। बस अब आपको फंक्शन कॉल कर देना है। देखो आपको लिखना है इफ़ अगर डाव के अंदर जो सेव है पोस्ट वो अगर सक्सेसफुली ट्रू दे देता है, दैट मीन्स आपका पोस्ट हो चुका है, तो आप लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट एलन और लिखेंगे डन। ठीक है, डन आ जाएगा। एल्स हम लिख देंगे एरर, इसका मतलब कुछ गलत हुआ है, तो हम लिखेंगे आउट डॉट प्रिंट एलन एरर। परफेक्ट, अब हम लोग अपने प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं क्या हमारा डेटा जो पोस्ट है वो डेटाबेस तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो हम लोग आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो लॉग आउट हो जाएगा, क्योंकि लॉग आउट हो रहा ऑब्वियस ही बात है क्योंकि आपने सर्वलेट और जावा के कोड में चेंजेस किए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं, लॉग इन, और यहाँ पे एबीसी, ठीक है लॉग इन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करते हैं और लिख देते हैं व्हाट इज कलेक्शन, ठीक है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग कंटेंट में कुछ डाल देंगे, कलेक्शन फ्रेमवर्क, या लिख देंगे ऐसा ही दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दें। उसके बाद यहाँ पे कोड कुछ नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, या अदरवाइज मैं यहाँ लिख दूंगा नो कोड। उसके बाद फोटो सेलेक्ट कर लेंगे, तो फोटो मेरे पास कोई स्पेसिफिक फोटो नहीं है, या मैंने डिज़ाइन नहीं किया फोटो को पोस्ट करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने बहुत सारे थंबनेल बना के रखे हैं डाउनलोड्स में, मैं यहाँ पे एक थंबनेल को ऐड कर लूँगा ऐड। ठीक है, तो अभी मैंने प्रोफाइल फोटो नहीं सेव कराई है फाइल में, अभी सिर्फ हम लोगों ने डेटा पोस्ट जो डेटा है वो सेव कराया है, दैट मीन्स अभी हम लोग ने फाइल इमेज का कोई काम नहीं किया। तो हम लोग पोस्ट पर क्लिक करते हैं, जैसे पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एरर आ रही 405 एरर आ रही है, देखते हैं भाई क्या एरर आ रही है। तो हम लोग आएंगे अपने नेटबीन्स पे, विंडो पे चलेंगे और आउटपुट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे एरर क्या आ रही है। तो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे एक ब्रैकेट ज़्यादा कर दिया है, इस ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे सिंपली, और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करने की कोशिश करेंगे, तो फिर से लॉग आउट हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे फिर से लॉग इन करेंगे और फिर से पोस्ट की डिटेल को हम लोग सेव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जावा प्रोग्रामिंग और यहाँ पे व्हाट इज़ कलेक्शन फ्रेमवर्क, यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देंगे जस्ट टेस्टिंग, और फिर हम लोग या ऐसे कुछ थोड़ा सा कंटेंट डाल देते हैं, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस पोर्टल। ठीक है, और प्रोग्राम में नो और फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं कोई, ठीक है, और पोस्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका टाइटल मैसेज प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है और यहाँ मैसेज आ रहा है डन। और हम आते हैं डेटाबेस को रिफ्रेश करते हैं, ज़रा देखते हैं। जैसे आप डेटाबेस को रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ देख पाओगे, पोस्ट की आईडी आ चुकी है, पोस्ट का टाइटल आ चुका है, पोस्ट का कंटेंट आ चुका है, पोस्ट का कोड आ चुका है, कोड में नो डाला था मैंने, और पिक आ चुकी है, देखो पिक का नाम आ गया है, डेट आ चुका है, अभी देखो 17/28 पे हुआ है ये पोस्ट, कैटेगरी दैट मीन्स ये आपने पहली कैटेगरी, और यूज़र पहला यूज़र, जो पहला यूज़र था जिसकी आईडी 1 थी वो यहाँ पे आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार मैं कैटेगरी आईडी मैच कर लेता हूँ, भाई यूज़र आईडी 1 है, दैट मीन्स 1, ये देखिए डीके दिवारी 1 ने पोस्ट किया है, इसका मतलब हमारा सिंपली सारा काम हो रहा है। बस हमें करना क्या है, हमें अब फोटो भी फाइल में सेव करा देनी है। तो फोटो सेव कराने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली देखिए फोटो भी बहुत आसानी से सेव हो जाएगी, आप देख सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली जब ये डन हो गया तो आपको फोटो सेव करानी है एक किसी फोल्डर में। तो देखो हम लोग इमेज सेव करा रहे थे इस पिक्स के अंदर इमेज सेव करा रहे थे, आप क्या कर सकते हो, इसी में पिक्स के अंदर ही सेव करा सकते हो, या आप क्या कर सकते हो सिंपली वेब पेजेस पर राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ एक नया फोल्डर बना सकते हो, और नया फोल्डर बना लो भाई फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दो ब्लॉग अंडरस्कोर पिक, ब्लॉग अंडरस्कोर पिक,
ब्लॉग अंडर स्कोर पिक्स ले लेते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो एक फोल्डर और बन गया ब्लॉग अंडर स्कोर पिक्स। इसके अंदर हम लोग क्या बनाए, अपने फोटोज़ को रखेंगे जो डाउनलोड या जो अपलोड होंगी। तो हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लोगों ने अपलोड करने का एक फंक्शन बनाया था हेल्पर के अंदर। देखिए हेल्पर के अंदर देखिए ये सेव फाइल, सेव फाइल फंक्शन यूज़ करेंगे। और पाथ निकालने के लिए मैंने हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन सर्वलेट में यहाँ पे एडिट सर्वलेट में शायद हम लोगों ने फोटो अपलोड वाला यहाँ पे कोड लिखा था, ये देखिए। तो हम लोग सिंपली पाथ ले लेंगे और पाथ, ये वाला पाथ मुझे चाहिए अपने ऐड पोस्ट में। और यहाँ पे ये पाथ सिंपली कॉपी कर लेंगे और पाथ में देखिए पिक्स मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए पिक्स की जगह मुझे ब्लॉग अंडरस्कोर पिक्स। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ब्लॉग अंडरस्कोर पिक चाहिए और हमें यहाँ पे चाहिए पार्ट डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम। परफेक्ट। तो हमारा जो ये पाथ बन जाएगा वो बन जाएगा कहाँ कहाँ तक का पाथ, ये ब्लॉग अंडरस्कोर पिक्स तक का पाथ बन जाएगा यहाँ तक। अब हमें इस पाथ पे अगर डेटा राइट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम हेल्पर को कॉल करेंगे, हेल्पर डॉट सेव फाइल, और हम पास कर देंगे देखिए पार्ट से बोलेंगे पार्ट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे अपना पाथ पास कर देंगे पाथ, दैट्स इट। ठीक है, तो पाथ हमारा ये वाला पाथ है, इस वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, दैट्स इट। और ये डन मैसेज हम इसके नीचे दे देते हैं, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं। परफेक्ट, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा, दैट मीन्स ये फ़ोटो भी अपलोड हो जाएगी ब्लॉग पिक्स वाले फोल्डर के अंदर। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको फ़ोटो अपलोड हो रही है कि नहीं अपलोड हो रही है। तो एक पोस्ट हम लोग और करते हैं, तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं और फिर से लॉग इन करते हैं और फिर से हम लोग नया पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इस बार कैटेगरी पाइथन चूज़ करेंगे, लिखेंगे व्हाट इज़ पाइथन और लिख देंगे पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग फॉर डीप लर्निंग, डीप लर्निंग। और पाइथन की स्पेलिंग सही कर देंगे, उसके बाद हम लोग कोड में नो लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे और पोस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डन आ गया, और डन आ गया तो हम लोग डेटाबेस चेक करेंगे अपना पोस्ट वाला। ठीक है, पोस्ट वाले में देखिए दूसरा यहाँ पे देखिए दूसरा रो आ गया, व्हाट इज़ पाइथन और पाइथन के बारे में कंटेंट है, हेडिंग है। इस बार कैटेगरी दूसरे में मैंने डाला, यूज़र पहले ने ही किया है। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या ये जो फाइल है ये फाइल अपलोड हुई है। तो हम लोग आते हैं जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेव है, तो हम लोग आएंगे डेस्कटॉप पे, यूट्यूब प्रोग्राम्स, वेब, टेक ब्लॉक, बिल्ड, वेब, इमेज। इमेज के ऊपर देखिए यहाँ पे ब्लॉक पिक्स है, इसके अंदर अगर देखें तो देखें ऐड हेडिंग 13, दैट मीन्स दूसरे वाले की फ़ोटो यहाँ पे आ चुकी है ऐड हेडिंग 13। तो अब होगा क्या, जो जो पोस्ट आप करते जाओगे अजैक्स के थ्रू, वो सारा जो डेटा होगा वो आपका इस वाली टेबल में आता जाएगा और आपकी फ़ोटोज़ इस वाले फोल्डर में आती जाएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे स्वीट अलर्ट की हेल्प से। तो जैसे ही कोई पोस्ट करेगा मैसेज देने के बाद, जब वो ओके करेगा तो ये वाला हम लोग बंद कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले मैसेज देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस खाली स्पेस को यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग पोस्ट को लोड करके ला के दिखाएंगे। जैसे बंदा लॉगिन होगा यहाँ पे कुछ पोस्ट आके दिखने लगेंगे जो रिसेंट पोस्ट होंगे, बाकी लोगों ने किए होंगे। और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दे देंगे कि वो अपने पोस्ट को भी क्लिक करके देख सके, जब वो क्लिक करे तो उसके अपने पोस्ट भी दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पोस्ट आ जाएँ, उन पोस्ट पे लाइक भी करवा सकते हैं, उन पोस्ट पे कमेंट भी करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उन पोस्ट पे करवा सकते हो। तो हम लोग लाइक कमेंट वाला भी बना लेंगे, धीरे धीरे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते जा रहे हैं और मेरे ऊपर आप ट्रस्ट करिए, एक दिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन जाएगा। आप धीरे धीरे काम करते रहिए और चीज़ों को सीखते रहिए, जिससे होगा क्या आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।